कितने सारे जगत करो मनुष्य भीष्म
की सेवा करें और कान वही है जो भगवान की कथा सुने, मन वही है जो भगवान भगवती निमग्न हृदय हो प्रवीत। आज भगवान के ध्यान में मगन हो गए सुखदेव जी, परीक्षित जी के हृदय की निष्ठा से और ज्यादा प्रभावित हो गए और उन्होंने कथा को आगे सुनाते हुए कहा, बोले कृष्ण से आसीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मविश्रम जाए।
तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ा दुख का दिन वो है। पापा कहते हैं कहे हनुमंत का वो पात्र फूट के गिर पड़ा। बच्चे रोए, मां अब क्या होगा, बर्तन ही टूट गया। सुशीला को पता था ये तो होना ही है। आज वो रोते हुए बच्चों को सुदामा के पास ले गई। नहीं सहन हो रहा है हमसे, तुम ही संभालो। आज फिर वही मिट्टी के पास में भर के रखना जल, फिर आग जला देना, फिर वो बर्तन टूटना। सुदामा जी फिर कथा सुनाए, सो गए वो। चौथा दिन आया, पांचवा दिन आया, बहुत जोर से रोने लगे बच्चे। मां बड़ी जोर से भूख लगी है, थोड़ा सा कुछ दे दे, कहीं भी कुछ नहीं मांगू। मां बड़ी जोर से भूख लगी है। आज रोने लगी है सुशीला सुदामा जी के पास से। दुनिया में इतने बड़े दान पड़े हैं, आप एक बार चले जाएं, कोई ना कोई कुछ सुख दे देगा। अपने लिए नहीं कह रहे हैं, बच्चे भूखे हैं। पांचवा दिन आ गया है, अब हमसे नहीं देखा जा रहा है। पहली बार आज सुदामा मांगने जा रहे हैं, बच्चे भी रो रहे हैं। हाँ पिताजी, कहीं से कुछ ले आओ। आज रोते हुए बच्चे, रोती हुई पत्नी, आज पहली बार सुदामा मांगने निकले हैं। एक घर के सामने खड़े हुए और उनको लगा कहूं कि बिछान दे, लेकिन ये सब उनकी वाणी से नहीं निकला। क्यों? जब सुदामा को लगा कि हम भिक्षा मांगेंगे और इस घर में रहने वाले ने कह दिया चले जाओ नहीं लेना है, तो हम तो अपने पाप भोग ही रहे हैं। अपने दरवाजे पर आए हुए अतिथि को तिरस्कृत करने के कारण, विमुख करने के कारण इस घर में रहने वाले के सारे पुण्य मेरे को मिल जाएंगे और मेरे सारे पाप इसके पास चले जाएंगे। शास्त्र कहता है कि अतिथिर्यस्य भग्नास्तो गृहात् प्रतिनिवर्तते, सर्वस्मै दुष्कृतं दत्त्वा पुण्यम् आदाय गच्छति। किसी भी गृहस्थ के घर से जब कोई भी अतिथि संत महापुरुष विमुख होकर चला जाता है तो अपने सारे पाप दे जाता है और उसके सारे पुण्य ले जाता है। नहीं नहीं हम नहीं मांगेंगे। सुदामा जी आगे बढ़े, लेकिन रोते हुए बच्चों की याद आई। फिर मन में आया मांगो, लेकिन नहीं मांग पाए। फिर आगे बढ़े, फिर इच्छा हुई मांगने की और भेंट देना है। तो आज सुशीला अपने गांव में लोगों के यहां मांगने के लिए जा रही है। अच्छा, मांगने क्यों जा रहे हैं? भगवान कह रहे
के प्रति तीर्थ की तमाश छोड़ो। तो कहां बैठे हो तुम लोग? तीर्थ राज में डुबकी लगा रहे हैं साहब, आनंद ले रहे हैं। कितने सुंदर ढंग से बराबर हम लोग यहाँ स्नान।